बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल के मेरी है आरजू। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वंदना ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। तो आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और आज मैं थकी बहुत हूँ, अभी मैं मार्केट गई थी, वहाँ से आई हूँ, अब मैं किचन की तरफ बढ़ती हूँ। तो आइए चलिए मेरे साथ, आप सब भी किचन का काम करते हैं। तो मैं आ गई किचन में फटाफट, और मैं सब्जी पहले से काट के रख दी थी, क्योंकि मुझे पता था मुझे मार्केट जाना है। तो मैंने आलू गोभी काट के रख दिया था, और आके मैंने फटाफट उसको छौंक दिया जब तक मेरी सब्जी रेडी होगी, और तब तक मैं कोई और भी काम कर लूँगी। मेरी पैकिंग भी होनी थी, मुझे बाहर निकलना था नेक्स्ट डे, तो मैं उसी की तैयारी में लगी हूँ। और पैकिंग में सबसे बड़ा झंझट होता है कि साड़ी पहनने के लिए जब आप निकालो तो फिर उसमें ये ब्लाउज का चक्कर हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ब्लाउज उसमें ज़रूर 19-20 हो जाता है। कभी पता नहीं कहाँ से इंसान मोटा नहीं होता, फिर भी ब्लाउज टाइट हो जाता। मैं तो आज तक ये बात नहीं समझ पाई। और मेरा शरीर तो वैसे ही जैसा रहता फिर भी टाइट हो जाता है। तो बस मैं उसी उधेड़ बुन में लगी हूँ, कौन सी साड़ी ले जाऊँ कौन सी ना ले जाऊँ। और फिर मैंने डिसाइड कर ही लिया किसी को रखती हूँ, और ब्लाउज अभी मैं बाद में चेक करूँगी। अभी पूरी मैचिंग में लगा दूँ साड़ी ब्लाउज पेटीकोट का, और दो तीन साड़ी तो रखनी है मुझे। और मेरा खाने का मन है आज रबड़ी, तो मैं अपने लिए रबड़ी बनाऊँगी। फिर मैं आ गई किचन में, मैंने इंडक्शन पर रख दिया दूध। दूध देखिए इतना गाढ़ा हो चुका है, और रबड़ी आप घर में बनाते हैं तो बहुत इजी होता है और बढ़िया होता है। मैं कभी कभी बाहर से मंगाती हूँ, क्योंकि रबड़ी मेरा फेवरेट है, लेकिन मुझे बाहर का अच्छा नहीं लगता है। और मेरा सबसे फेवरेट खाना भी है रबड़ी और पराठा, मुझे बहुत पसंद है। तो आज मैं रबड़ी खाने वाली हूँ। बहुत दिन हो गया है, मेरा रबड़ी तैयार हो गया, और फिर अचानक से हो गया कि नहीं अब फिश बनेगा। तो फिर मैं फिश की तैयारी में लग गई मसाले वगैरह पीसने के लिए। तो बस मसाले भी पीस के मैंने रेडी कर लिया, जल्दी जल्दी से लहसुन प्याज छिला, और फिर ऊपर आई। ऊपर खुला है ना, तो बहुत ज़्यादा गंदगी होती रहती है, और यूज़ तो अक्सर हो जाता है, लेकिन फिर भी खुला है तो बहुत गंदगी, बहुत मेहनत होता है नॉनवेज बनाने में। लेकिन अब कहाँ कहाँ पे किचन बनवाऊँ, नीचे बना है और उतना देख भी नहीं सकती मैं, तो फिर पूरी सफाई करनी पड़ती है। फिर मैंने ऊपर पूरी सफाई किया, और काम तो आज जितना मैं थकी थी, मैंने सोचा था आज कम काम करके मेरा काम, इसलिए मैं करके तैयारी गई थी, लेकिन उतना ही बढ़ जाता है मेरा काम हमेशा। मैं जितना सोचती हूँ उतना कभी नहीं होता है। तो देखिए मैं फिश की रेसिपी इसलिए नहीं दे रही हूँ आप सबको, बस बना रही हूँ, तो थोड़ी बातें करनी थी तो बातें कर रही हूँ आप सबसे, क्योंकि मैंने इसके पहले दिया अपनी रेसिपी डाली हुई है, और उसी तरीके से मैं बना रही हूँ। और जब मैं कभी कुछ नया ट्राई करती हूँ तब भी देती हूँ, फिर क्या बार बार एक ही चीज़ बताना। तो इस वजह से मैं ये रेसिपी नहीं दे रही हूँ, और बस आप सभी से बातें नहीं हो पाती हैं, तो काम करते करते बातें हो जाए, तो बस इसीलिए मैं बातें भी कर रही हूँ। और मेरा फिश भी तैयार हो, मुझे फ्राई भी करना था और ग्रेवी भी बनाना था। और मेरा देखिए फ्राई भी तैयार हो गया, और फिश ज़्यादा फिर हो गया, ज़्यादा इसलिए हो गया, खाने को तो प्रभु और बेटे दोनों जन खाते हैं, लेकिन आज दोनों ने मना कर दिया है, क्योंकि पता नहीं क्यों इन लोगों का मन नहीं नहीं खाने का। तो ठीक है, मैं बना रही हूँ, अब तो आ ही गया तो बना रही हूँ। और फिश मेरा तैयार हो गया, आप सभी से बातें करते करते फ्राई फिश रेडी हो गया। अब मैं ग्रेवी वाले देखिए सब एक एक फ्राई करती जा रही हूँ, क्योंकि तेल में ज़्यादा इसलिए नहीं डालती, वो तेल मैं यूज़ नहीं करती हूँ बाद में, और नॉनवेज का किचन अलग है, तो फिर इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके यूज करती हूँ, कि डेली बनना नहीं है, और नीचे के बर्तन में उचित डाल नहीं सकती मैं।
तो इस वजह से देखिए मसाला भी बातों बातों में तैयार हो गया, मुझे पता नहीं चला कि इतना मैंने कर लिया। यही बात करने का आप सभी से फ़ायदा है। और इसके बाद मैं नीचे का भी तो काम है, देखिए अंधेरा हो चुका है काम करते करते, कोई पटाखे बजा रहे बताओ इस समय, पता नहीं कौन है प्रभु इस समय कौन पटाखे बजा रहा है, पता नहीं कौन है भैया इस समय पटाखे मार छोड़े जा रहे हो। मैं ऊपर हूँ तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, प्लीज़ आप सभी इग्नोर करिएगा इस चीज़ को। और मसाले में मैंने पानी डाल दिया, जब तक वो ग्रेवी पकेगा मैं आ गई कमरे में। इनका रूम एकदम बाबू का बिखरा हुआ था और ये सुबह अपना बंद करके इसी तरह छोड़ के चले जाते हैं। मैं दिन में आती हूँ किसी टाइम ठीक कर जाती हूँ, लेकिन आज मुझे टाइम नहीं मिला एकदम से तो मैं नहीं आई। और इनके सब चीज़ों को मैंने ठीक किया, कुशन ठीक किया और थोड़ी देर मैं अब बैठूँगी क्योंकि मैं एकदम थक गई हूँ, तो थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो मैं बैठी आराम करने के लिए, लेकिन एक कॉल आ गया तो फिर मैं उन्हीं से बातें करने लगी। उनकी बहुत शिकायत थी, बहुत दिनों से उनसे बात नहीं हो पा रही थी मेरी टाइम की वजह से, तो चलिए मैं उनकी शिकायत दूर करती हूँ। और इधर मेरा ग्रेवी पक रहा है और ग्रेवी पक जाने के बाद मैं नीचे आ जाऊँगी, नीचे का काम करूँगी, आप सबसे नीचे मिलती हूँ। तो फिर तैयार हो गया, मैं आटा भी गूंद के रख लिया, ढक दूंगी आटा फूल जाएगा, फिर मैं रोटी बनाऊंगी। बेटे ने दिया पापा को सरप्राइज उनके बर्थडे का। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल के मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे दोनों, सरप्राइज। हमारे मोबाइल केक बचा के रख दीजिएगा, ठीक हमारे केक मोबाइल पूरा बचा के रख दीजिएगा, हम जाएंगे तो लेके जाएंगे। तुम सबसे खिला रहे हो